नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज, खबर मोतिहारी से है। गांधी की कर्मभूमि चंपारण ने राष्ट्रीय पटल पर एक बार फिर अपनी अमिट छाप छोड़ कीर्तिमान स्थापित किया है। पूर्वी चंपारण कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी को देश का सर्वश्रेष्ठ केवीके अवार्ड मिला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 10 लाख इनाम की राशि के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी को देश के 725 केवीके में से कृषि के क्षेत्र में बेतहाशा कार्य के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से नवाजा गया। इस सफलता से यहां के कृषि वैज्ञानिकों में हर्ष का माहौल है। घोषणा के बाद केवीके परिसर में वैज्ञानिकों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशियां मनाई। लोगों को अवार्ड मिल रहा है, उन सबको और उनके परिवारजनों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर मैं पूरे ICR परिवार को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय भारत। आज ICR के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज इस कृषि विज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय पुरस्कार, कृषि विज्ञान केंद्रों में भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोत्तम पुरस्कार उनके द्वारा 2021 में किए कार्यों के लिए मिला है। और यह पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे वर्तमान सांसद एवं पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, जिनके दिशा निर्देशन में और जिनके अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास यह कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा करता रहा है, और उनके मार्गदर्शन में जो उनके अंदर एक समर्पण के साथ सेवा करने की जो भावना हम लोगों ने देखी है, हमारी टीम ने देखी है, और हम लोग लगातार दिन रात कोशिश करते हैं कि उनके जो सेवा की भावना है, किसानों के उत्थान की भावना है, किसानों के आमदनी की दुगना करने की जो उनके अंदर समर्पण है, उसके साथ हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचे, उनको लाभान्वित करें अपने केंद्र के विभिन्न, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के द्वारा। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री को कि उनका विशेष आशीर्वाद इस केंद्र पर प्राप्त होता रहा है और होता रहेगा, ऐसा उम्मीद रखते हैं। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों का, विशेष रूप से कुलपति महोदय का, कि जिनके आशीर्वचनों से और जिनके विशेष कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी के तरफ से विशेष लगाव की वजह से आज यह कृषि विज्ञान केंद्र प्रफुल्लित हो रहा है और